लड्डू को खाने से ना ही कभी आपको जॉइंट पेन होगी, ना कभी वीकनेस होगी और ना ही कभी बीमार पड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज किचन। फ्रेंड्स, आज हम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाएंगे। दिन भर के थकान के बाद रात को जब सोते हैं तो एक ग्लास दूध के साथ एक ड्राई फ्रूट्स की लड्डू खाइए। आपके दिन भर के थकान मिट जाएगा और डैमेज टिश्यूज रिपेयर हो जाएगा। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 4 चम्मच देसी घी। घी जब गर्म हो जाता है तब आपको इसमें डालना है 25 ग्राम तरबूज के बीज यानी कि मगज। डालते ही आप देख रहे हैं कि ये काफी क्रैकल हो रहा है, उड़ रहा है, तो फटाफट से हम इसके ऊपर एक लिड डाल देंगे ताकि उड़कर बाहर ना बिखरे। 30 सेकंड बाद ही हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और लिड हटाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें 25 ग्राम पम्पकिन सीड्स। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम चॉप्ड बादाम, 100 ग्राम चॉप्ड काजू, 100 ग्राम चॉप्ड अखरोट, 100 ग्राम नारियल। इन सभी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम इस वक्त आपको लो रखना है, लो फ्लेम पर ही आपको इसे पकाना है। ये चीजें भूनकर तैयार हो चुकी है। इसे हमें बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स को कच्चा भी खा सकते हैं। यह हल्का भून चुका है तो गैस ऑफ कर देंगे। और अब मैं ले रही हूँ 200 ग्राम डेट यानी कि खजूर। इन खजूर को पहले चॉप करेंगे, इसके अंदर से बीज निकाल देंगे और अब हमें इसे ग्राइंड करना है। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स ग्राइंडर की जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। ध्यान रखें कि ग्राइंड करने में पानी या मिल्क कुछ भी नहीं ऐड करना है। इसी तरह से बचे हुए खजूर को भी ग्राइंड करेंगे। ऊपर से मैंने थोड़ा कच्चा कद्दू का बीज डाल दिया है। इसका ग्रीन कलर होता है तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। फ्लेवर के लिए इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब हम इस ग्राइंडेड खजूर को इस ड्राई फ्रूट्स में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गाइस, ये लड्डू शुगर फ्री है, इसमें हम शुगर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डेट इस्तेमाल कर रहे हैं। डेट से ही यह अच्छा मीठा हो जाता है। इन सभी चीजों को डालकर अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करते समय आपको पेशेंस रखना है, पूरे सावधानी पूर्वक इसे मिक्स करना है। डेट में हल्का सा मॉइस्चर होता है तो यह इसी में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाता है और बढ़िया लड्डू बन जाता है। मिक्स करने के बाद मैंने एक कांच के ट्रे में निकाल लिया है और ऊपर से 50 ग्राम किशमिश ऐड कर रही हूँ। किशमिश डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस वक्त हम अपने हैंड से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाएंगे और इसे अपने हाथों से दबाते हुए इसे राउंड शेप में तैयार करेंगे। लड्डू बनाने के लिए मैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ और ध्यान रखें कि जब आप मिक्सचर अपने हाथ में लेते हैं तो दोनों हाथों में बराबर मिक्सचर लेना है ताकि सभी लड्डू का साइज बराबर हो। तो इसी तरह से सारे लड्डू आपको बनाकर ट्रे में रखते जाना है। गाइज, ड्राई फ्रूट्स हर किसी को हर रोज खाना चाहिए और खाना भी चाहते हैं, बट ऐसा होता है कि कभी कभी हम खाना भूल जाते हैं, कभी ज्यादा खा लेते हैं और कभी कम खा लेते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से लड्डू बना के रखेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं और मिल्क के साथ एक लड्डू रोज खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स की जो मात्रा है वो आपको हर रोज बराबर मिलेगा। और साथ ही इसमें हमने कई सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लिया है जो कि अलग से खाना डिफिकल्ट होता है, बट लड्डू बना के अगर हम रख देते हैं तो इसे खाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस लड्डू को बनाइए, अपने घर के बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, बड़ों को खिलाइए। यह सभी के लिए बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। इसे खाने से आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी, विटामिन्स मिलेगी, कैल्शियम मिलेगी, मैग्नीशियम मिलेगी, जिंक मिलेगी, आयरन मिलेगी, सभी न्यूट्रिशन आपको मिलेगी। इससे आप काफी हेल्दी, फिट एंड एनर्जेटिक फील करेंगे। तो इस लड्डू को इसी तरह से बनाइए और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।